हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उषाज किचन। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। और ये जो रेसिपी है वो आंवले के अचार का रेसिपी है, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको बनाना भी आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आंवले का अचार। तो सबसे पहले आंवला लेते हैं। यहाँ मैंने आंवला हाफ केजी लिया है और इसको अच्छे से वॉश करके मैंने एक कपड़े से इसको पोंछ लिया है। और ये जो ग्रीन चिलीज़ है इसको मैंने 250 ग्राम लिया है और इसको भी अच्छे से मैंने वॉश करके एक कपड़े से साफ़ कर लिया है, पोंछ लिया है। तो ये देखिए, ये आंवला है और ये आंवला में बहुत विटामिन्स होते हैं और इसमें इसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। तो सबसे पहले ये जो आंवला है इसको उबाल लेते हैं। एक कुकर लेते हैं और उसमें इस आंवले को मैं ऐड करूँगी और आंवले को ऐड करने के बाद इसमें आप एक कप वाटर ऐड कर दें। सिर्फ एक कप वाटर ऐड करना है इसमें, ज़्यादा नहीं। और इसको एक सीटी आने तक उबाल लेना है। तो गैस ऑन करके इसको चढ़ा देते हैं और जब एक सीटी आ जाएगा तब गैस ऑफ कर देंगे। और जो आंवले का पानी होता है उबालने के बाद जो इसमें पानी बचेगा, आप उसे फेंके नहीं, आप उससे आटा गूंद लें या आप उसे दाल में ऐड कर दें या सब्जी में ऐड कर दें, क्योंकि इसके जो पानी है इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मैंने एक सीटी लगा लिया है और अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कि ये पक गया है। ये देखिए, ये अच्छे से पक गया है। तो अब इसको ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद इसके जो सीड्स हैं उसको हटा लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ये एक सीटी लगने के बाद ये इजीली इसके सीड्स आप अलग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये निकल जाते हैं सीड्स। आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैंने सारे सीड्स निकाल लिए हैं और अब मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिलीज को मैंने स्लिट कर लिया है, ये बीच से फाड़ लिया है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है और अब इसमें मैं 4 to 5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ, सरसों का तेल, क्योंकि ये जो इंस्टेंट आंवले का पिकल है वो सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है। और जो गैस का फ्लेम है आप उसे हाई रखें, क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल है ये स्मोक आने तक इसको अच्छे से आप ऑयल को पकाएं, एकदम गर्म हो जाए तब आप गैस ऑफ कर दें। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून पचफोरन लिया है और पचफोरन को थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसको क्रश नहीं करना है, थोड़ा सा क्रश कर लेना है सो दैट इसका फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए इसमें। तो गैस ऑफ करने के बाद थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप रुक जाएं, थोड़ा सा ऑयल है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, नहीं तो ये जो पचफोरन है वो जल जाएगा। और अब इसमें पचफोरन मैंने ऐड कर दिया, अब इसमें मैं हींग ऐड करूँगी। तो 1/2 टीस्पून मैं इसमें हींग ऐड कर रही हूँ। हींग से इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है और ये जो आंवले का पिकल है ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसकी हींग की बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैं टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। वन टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। इसको मिक्स कर लेते हैं
और अब इसमें 2 टेबलस्पून मैं सॉल्ट ऐड करूंगी। और अब इसमें जो आंवला है जिसको उबाल के रखा है और ग्रीन चिलीज है उसको ऐड कर लेते हैं। और इसको ऐड करने के बाद गैस का जो फ्लेम है उसको हाई कर लें और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट 2 से 3 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है आंवले की पिकल। और जब ये 2 से 3 मिनट हो जाए और ये पक जाती है तो आप गैस ऑफ कर दें और इसको अच्छे से ठंडा कर लें। जब ये एकदम रूम टेम्परेचर पे आ जाए, अच्छे से ठंडा हो जाए, तब आप इसे एक एयर टाइट जार में डाल के रख दें। आप इसे बाहर में 3 से 4 दिन रख सकते हैं। और अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये 1 से 2 महीने तक चल जाती है, ख़राब नहीं होती है। जस्ट आपको एक एयरटाइट जार में इसको रखना होता है और इसको आप कभी भी गीले हाथ से टच नहीं करें। तो स्पून भी जब आप इसको निकाल रहे हैं तो वो स्पून ड्राई होना चाहिए। तो ये देखिए बन के तैयार है इंस्टेंट आंवला पिकल। तो आप भी इस तरह से बनाएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।